प्रिय बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का अध्याय आठ ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका यानी कि गांव के लोगों की आजीविका क्या है, कैसे वह अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे कि गांव के लोग कौन से काम धंधे करके अपना परिवार पालते हैं। गांव के लोग अलग अलग परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं और अपनी परिस्थिति के अनुसार ही वह अपना व्यवसाय चुनते हैं, अपना काम धंधा चुनते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति होती है, इस आधार पर गांव के लोग अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ खेती बाड़ी का काम करवाते हैं, कोई पशु पालते हैं, कोई पशु चराने का काम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका भोजन का काम, दूध निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा गांव में हम और देखते हैं कि वहाँ आपको नाई की दुकान मिल जाएगी, घड़े बनाने वाले कुम्हार की दुकान मिल जाएगी, ईंटे बनाने वालों की दुकान मिल जाएगी, सब्जी बेचने वालों की दुकान मिल जाएगी, छोटी मोटी किराने की दुकानें मिल जाएगी, छोटी मोटी दूसरे सामानों की दुकान मिल जाएगी, खाद बीज पेस्टिसाइड की दुकान मिल जाएगी आपको, वहाँ पर कीटनाशक मिलने भी लगते होंगे। गाँव में काम करने वाला खाती और लोहार मिल जाएगा आपको, जो कृषि उपकरणों को तैयार करता है वो आपको मिल जाएगा। छोटे मोटे साइकिल रिपेयरिंग की दुकान मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ कार तो पूरे गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा एक कार, दो कार, पाँच कार, तो कार का मिस्त्री वहाँ क्या लेने जाएगा, बाइक का मिस्त्री वहाँ क्या लेने जाएगा, तो साइकिल की दुकान मिलेगी आपको, वहाँ साइकिल ठीक करने वाला, साइकिल ठीक करने वाला। और कुछ सौभाग्य के बड़े परिवार होते हैं तो उनके लोग, उनके बच्चे पढ़ लिख कर और नौकरियों पर भी चलाए जाते हैं। कुछ नर्स अध्यापक पर्याप्त मात्रा में आजकल ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि बड़ी पोस्ट है, हर जगह विद्यालय तो अध्यापक मिल जाएंगे आपको, पोस्ट ऑफिस वाले मिल जाएंगे, ऐसे यानी कि छोटे व्यवसाय वाले ज़्यादातर लोग वहाँ पर गांव में मिलते हैं। गांव के बारे में कहा गया है कि 40% हमारे देश की आबादी ऐसी है, हमारे देश की जनसंख्या ऐसी है 40% उनको खेतों में मजदूरी करने के अलावा उनके पास रुपये आजीविका नहीं, ना उनके घर के खेत हैं। अब जिनके घर के खेत नहीं है वह केवल मजदूरी के ऊपर ही निर्भर हैं, तो ऐसे व्यक्ति आगे कुछ भी नहीं कर सकते, कारण क्योंकि आगे कुछ करने के लिए पैसा चाहिए और इनको उधार पैसा भी बहुत कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी इनके पास कुछ होती नहीं है, तो इसलिए इनका जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। परिणाम स्वरूप ये अपने बच्चों को ना अच्छी शिक्षा दिला पाते न इनके बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य रख पाते, क्योंकि मजदूरी से केवल ये अपना पेट पालने तक का काम आराम से कर पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ सोचना इनके बस की बात नहीं रहती। अब जो 40% खेती और मजदूर है, इनकी इनकम भी फिक्स नहीं है, मतलब इनको मासिक तनख्वाह नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है, इनको काम के आधार पर मजदूरी दी जाती है। और जो बड़े खेत वाले लोग हैं जो इनको मजदूरी करने के लिए बुलाते हैं, वह कब बुलाते हैं, जब उनको आवश्यकता होती है, खेतों को जुताई करना है तो मजदूर चाहिए, पानी पिलाना है तो मजदूर चाहिए, कटाई करनी है तो मजदूर चाहिए, रेसिंग करनी है तो मजदूर चाहिए, बाकी समय ये मजदूर बेचारे बेरोजगार रहते हैं, तो इनकी आय भी निश्चित नहीं रहती है, इसलिए इनको अभाव भरी जिंदगी जीना पड़ता है। अब जो 60% व्यक्ति बचे जो खेती बाड़ी जिनके अपने खेत हैं, उन 60% में से 80% व्यक्ति ऐसे हैं, जो 60% बचे शेष उनमें से 80-80% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम मात्रा में जमीन है। कम मात्रा में जमीन होने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है कि उन्हें अपने जमीन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए, थ्रेसिंग कटाई के लिए पैसा चाहिए, या घर में इमरजेंसी आवश्यकता के लिए पैसा चाहिए, तो वह क्या करेंगे, मंडी व्यापारी से उधार पैसा लेकर आते हैं, वहां से कर्ज लेते हैं। और मंडी व्यापारी उनको कर्ज की शर्त पर देता है कि तुम्हें अपने खेत में होने वाली उपज को मेरे यहाँ बेचना पड़ेगा, और उसे बेचना पड़ता है क्योंकि पैसा चाहिए। फिर क्या होता है कि इनकी उपज तो बहुत सीमित मात्रा में रहती है, फिर अपने साल भर की आवश्यकताओं को छोड़कर बाकी उपज को वहां जाकर वे बेच कर आते हैं। व्यापारी जो उपज का लाभ भी कम देगा उससे भी लाभ कमाएगा, उधर जो कर्ज दिया है उसके ब्याज के रूप में भी लाभ कमाएगा, यानी कि वह दोहरा लाभ कमाएगा, उनकी फसल का भी कमाएगा, साथ में उसको दिया है जो उसने उधार दिया है उसका ब्याज का भी चुकाएगा। और कई बार ऐसे छोटे किसानों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह व्यापारी का पूरा कर्जा भी नहीं चुका पाते, क्योंकि फसल मौसम आधारित है, कभी अच्छी भी हो जाती है, कभी बढ़िया भी बुरी भी हो जाती है, कभी उपज होती नहीं है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी सूख जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, तो इसके कारण किसान हमेशा प्रभावित रहता है। परिणाम स्वरूप अधिकांश किसान कर्जदार होते जाते हैं, और देश में अनेक बार अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से सुनने को मिलता है कि इतने किसानों ने कर्ज के तले दबकर आत्महत्या कर ली। यदि किसान कर्जदार नहीं रहेगा तो अपनी फसल को ज्यादा लाभ लेने के लिए कहीं भी बेच सकता है और ज्यादा लाभ कमा सकता है, किंतु उसे ऐसा मजबूरी में करना पड़ता है। जो 20% बड़े किसान हैं उनको ये दिक्कत नहीं होती है, वह क्या करते हैं, फिर खेती बाड़ी करने के साथ साथ उन क्षेत्रों के व्यापार भी करने लग जाते हैं, व्यापार के तौर पर वह काम करने लग जाते हैं, और उनको इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको ज्यादा इस प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। तो इस अध्याय में गांव के मुख्य साधनों के बारे में हमें बताया गया। जो छोटे किसान थे वह जमीन के साथ साथ पशुपालन का काम भी कर लेते हैं एक्स्ट्रा आय कमाने के लिए, ताकि उनसे जो दूध निकलेगा उस दूध को पास के शहरों में घर घर जाकर बेच दें, या फिर गांव में कोई सरकारी फार्म है जो दूध को कलेक्ट करता है, डेयरी वगैरह है, तो वहाँ बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे वह कमा सकता है। तो इस प्रकार से जो छोटे किसान हैं वह खेती बाड़ी के साथ साथ दूसरा काम करके बाकी खाली समय रहते हैं तो दूसरे के खेतों में काम करने चले जाते हैं, तो इस प्रकार से दूसरे का काम करके कुछ एक्स्ट्रा सा कमा के और अपना आजीविका को संचालन करते हैं। जो समुद्री किनारों के गांव हैं मछली पालन में समुद्र से मछलियां कलेक्ट करना, उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार रखे बाकी को बेचना, ये उनका मुख्य व्यवसाय होता है। जिनके गांव के आसपास जंगल है वो जंगल की उपज के ऊपर निर्भर करते हैं, जहाँ तेंदूपत्ता है तो तेंदूपत्ता इकट्ठा करना, महुआ इकट्ठा करना, शहद इकट्ठा करना, इस प्रकार के आजीविका के माध्यम से वो अपना घर का संचालन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा हाथ नहीं बटा पाती क्योंकि उनको घर के काम से फुर्सत नहीं होती, इतना सारा काम करती है वह बदले में एक रुपया नहीं कमा पाती। जैसे खाना बनाने के लिए उन्हें जंगल से ईंधन लाना है, 3-4-5 घंटे वहां वेस्ट हो, पानी भरने गांव से 1 किलोमीटर दूर बोरवेल लगी हुई है वहां से पानी भर के लाना है, 1 घंटा उसमें व्यतीत हो गया। तो इस प्रकार से वो काम तो कर रही है, दिन भर काम कर रही है, लेकिन उससे परिवार को किसी प्रकार की आय का अर्जन नहीं हो रहा है, लेकिन वो कमाई कुछ भी नहीं कर रही, केवल कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, खाना के लिए ईंधन लाना, पीने के लिए पानी लाना, इनमें उसका दिन भर व्यस्त रहती है, और बदले में उसे एक रुपया नहीं पता जो परिवार की आय में परिवार को संभव बनाने में सहयोग कर। तो गाँव के साथ में ऐसा होता है, सरकारें डेवलपमेंट करती है तो पहले शहर के डेवलपमेंट की योजना बनाती है, गांव के बारे में बाद में चिंतन करती है, जबकि हमारे देश का 70% व्यक्ति गांव में रहता है। जनप्रतिनिधि गांव से जीत जीत कर जाते हैं, लेकिन फिर भी गांव के विकास के बारे में वह अंतिम हिस्से में सोचते हैं,
पहले सारे के सर्व के विकास के बारे में वह चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। यदि सरकार के मस्तिष्क में परिवर्तन आए और वह सोचे कि मुझे मेडिकल कॉलेज खोलना है तो गांव में खोलना है, जिसको पढ़ना होगा 10 बार गांव में जाना है। मुझे कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है तो गांव में बनाऊंगा, जिसको इलाज कराना होगा गांव में जाएगा। अच्छा रोड बनाना है तो गांव के पास बनाना है, ताकि जिसको जाना होगा वहां जाएगा। तो इस प्रकार से यदि बड़े ऑफिस, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े अस्पताल वगैरह है, इनकी स्थापना गांव में करना स्टार्ट हो जाएगा, जिस समय हमारे देश में निश्चित तौर पर हमारे गांव के लोगों को रोजगार भी बदलेगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और गांव का विकास भी होगा। अदरवाइज शहरों के अंदर सारे अधिकारी होते हैं जिनके मॉनिटरिंग करते हैं, गांव सुदूर गांव में कोई नहीं जा पा। आज भी अनेक गांव ऐसे हैं जहां जाने आने की सुविधा भी नहीं। अभी बाढ़ अतिवृष्टि के कारण हाड़ौती में बाढ़ आई, अनेक गांव भर गए बेचारे, सारे घर बार उनके नष्ट हो गए, बिल्कुल ये हो गए। लेकिन सरकार के पास समय नहीं है कि वहां तक पहुंचकर उनके बारे में चिंतन न करें। तो इस प्रकार से गांव का जीवन बहुत ही दयनीय होता है। 40% आबादी बहुत ही गरीबी के रूप में अपना जीवन यापन करती है। आने वाली सरकारों को आने वाले समय में उनको बदलने की परामर्शता होती है। तो इस प्रकार से आज हमने